अवध संबंध की गजब कहानी। पति से जी नहीं भरा तो प्रेमी का रूप किया, और प्रेमी से भी जी नहीं भरा तो तीसरे को दिल दिया। नतीजा खौफनाक मर्डर। दोस्तों, कहानी गढ़वा जिले के भवनाथपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर ओपी क्षेत्र के आजाद नगर टोला की है। बीते 4 जून 2023 को रात्रि में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा महिला किरण देवी की कुल्हाड़ी से मारकर तब हत्या कर दी गई थी जब वह अपने घर के बाहर सो रही थी। हत्या की सूचना अहले सुबह पूरे क्षेत्र में आग की तरफ फैल गई थी। बताया गया था कि किरण देवी अपनी 2 पुत्री और 1 पुत्र के साथ अपने घर में रहती थी। पति परिवार के भरण पोषण हेतु राजस्थान राज्य में सरिया सेंटरिंग में मजदूरी करने 1 माह पूर्व ही गया है। रविवार की रात्रि में बच्चे अपनी माँ के साथ भोजन करने के बाद छत पर सोने चले गए, लेकिन किरण अत्यधिक गर्मी होने का बहाना करके बच्चों के साथ छत पर ना जाकर अपने घर के बाहर चरपाई पर सो गई। सोमवार की सुबह वहीं पर उसकी लाश मिली थी। धारदार हथियार से उसका गला काटा हुआ था। किरण देवी हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए हत्यारोपी उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमी अपने मशूका को दूसरे से प्रेम करने से इस कदर नाराज था कि उसने घर के बाहर सोई हुई प्रेमिका किरण को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी थी। हवस की कहानी अक्सर खौफनाक अंत लिए होती है। पति अक्सर बच्चों और पत्नी के परवरिश के लिए परदेश जाने को विवश होता है। हड़ तोड़ मेहनत करके और हजार लानत और तकलीफ सहकर भी वह घर में पैसे भेजता है ताकि उनकी पत्नी और परिवार सुखी रहे। लेकिन पति की अनुपस्थिति में घरेलू महिला अगर मनचली हो जाए तो फिर क्या। यह कहानी भी कुछ वैसे ही है। पुलिस के मुताबिक इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर श्री वंशीधर नगर SPDO के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। गठित टीम के द्वारा कांड के उद्भेदन हेतु विभिन्न बिंदुओं पर गहराई से छानबीन की गई। इसके उपरांत यह बात प्रकाश में आई कि मृतका किरण देवी का पूर्व में अपने पड़ोस में रहने वाले शादीशुदा मनोज, जो अवस्था में किरण से छोटा था। पुलिस ने घटनास्थल से खून लगा कुल्हाड़ी और खून का धब्बा लगा हुआ सफेद काला चेकदार फुल शर्ट भी बरामद किया है, जो मनोज का है। मनोज ने इस हत्या में अपने संलिप्तता भी स्वीकार की है। पुलिस ने मनोज को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक यू।